दोस्तों नमस्कार, जय श्री सीताराम, जय श्री राधेश्याम, जय श्री कृष्णा, जय हनुमान जी महाराज, जय बाबा नीम करोदी महाराज, जय गुरु भगवान, जय माता पिता। मैं नीरज मिश्रा फिर आया हूँ एक नई रेसिपी नई वीडियो के साथ में। जैसे कि मैं अपनी रेसिपी के साथ साथ बताता हूँ आपको क्या क्या यूजेस लगने वाला अपना नॉर्थ इंडियन इंडियन फूड में, तो इसी के साथ जो मैं मेकिंग प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जो मेरी प्रिपरेशन है मास्टर चॉफ मसाला, जो हमारे इंडियन खाने में मोस्टली यूज होता है। जैसे कि मैं अब आपको दिखाता हूँ, मैं ये चॉफ मसाला यूज कर रहा हूँ, ये हम मास्टर ग्रेवी बना रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, मात्रा क्वांटिटी कितने लोगों का है उसके ऊपर डिपेंड करता है और हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ, तो हमें क्या करना है, जैसे कि हमें 10 लोगों का चॉप मसाला बनाना है तो इसके लिए हमें चॉप मसाले में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ये मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हमें एक ऐसी कढ़ाई लेनी है, इस कढ़ाई में हमें ऑयल डालना है, ऑयल के बाद हमें इसमें सॉल्ट डालना है, सॉल्ट के बाद में हमें इसमें जीरा डालना है, जीरे के बाद में इसमें हमें देखना आप गार्लिक चॉप दिख रहा होगा, जिंजर चॉप दिख रहा होगा, जैसे कि हमारी ये कटनीर यहाँ पे तैयार रहती है इसी का यूजेस हम करते हैं। तो उधर हमने जीरा लिया, जीरे के साथ में हमने गार्लिक लिया, फिर हमने जिंजर लिया, जिंजर के साथ में हमने फिर ग्रीन चिल्ली लिया, ये हमारा करी लिप है, करी लिप के बाद ये हमारा ग्रीन कोरिएंडर है, ग्रीन कोरिएंडर के बाद ये हमारा अमूल बटर है, अमूल क्रीम है, ये हमारा पेस्ट है और ये हमारा फ्राई गार्लिक ऑयल है। इसी के साथ में इतना मटेरियल यूज करने के बाद में हमें इसको पहले ऑनियन को ब्राउन एकदम सौते करके भून लेना है। इसको हमें स्लो आंच में एकदम बहुत स्लोली स्लोली पकाना है। इसके बाद में ये हमारे जो मसाले हैं, इधर मैं दिखाता हूँ, ये हमारा हल्दी पाउडर है, ये हमारा धनिया पाउडर है, ये हमारा मिर्ची पाउडर है, ये हमारा देगी मिर्च है, ये मेरा गरम मसाला है, ये मेरा कस्तूरी मेथी है रोस्ट किया हुआ, ये हमारा गरम मसाला खुदता हाथों का बनाया हुआ स्पेशल मसाला है, उसके बाद हमारा ये जीरा पाउडर है। इन सभी मिश्रणों को लेते हुए तब हमारा चॉप मास्टर मसाला तैयार होता है। कोई भी अगर आप डिश बनाते हैं सूखी सब्जी की, ड्राई सब्जी की या ग्रेवी की, तो इसमें मास्टर मसाला हमें कंपलसरी लगता है। तो आज की जो हमारी रेसिपी थी चॉप मसाले की यही है। इसके साथ हमें क्या लेना है, टमाटो, आप कितना ऑनियन ले रहे हो, कितने के हिसाब से ले रहे हो, ये आपको देखना है कि आप, मेरा जो है ये कम से कम 100 लोगों के हिसाब से प्रिपरेशन है, तो 100 लोगों के हिसाब से मेरा ऑनियन कम से कम 5 किलो ऑनियन था, 100 ग्राम जिंजर, 100 ग्राम गार्लिक और ये हमारा टमाटो है। इसको अभी मुझे चॉप करना है, चॉप करके फिर इसी में ब्राउन होने के बाद ऐड करना है। तो आज का जो हमारा रेसिपी था चॉप मसाले का यही था। इसको बनाते हुए जब मैं रेडी हो जाएगा फिर आपको एक नई रेसिपी, इसकी प्रॉपर ग्रेवी जो होती है वाइट ग्रेवी, ऑनियन ग्रेवी एंड टमाटो ग्रेवी, ये 3 ग्रेवी, एक चौथी हमारी ये चॉप मसाला, जैसे जो हमारे पूरे ऑल इंडिया के फूड में ये 4 ग्रेवी का यूजेस है। तो दोस्तों नमस्कार, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे, जय हनुमान, मैं नीरज मिश्रा फिर मिलूंगा एक नई रेसिपी लाइव प्रिपरेशन के साथ में, आपको फिर दिखाऊंगा, फिर सिखाऊंगा। जय श्री सीताराम।